राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार के द्वारा सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। जिन घाटों पर भी सार्वजनिक पूजा अर्चना करी जाती थी उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई। उसके बाद वसंत कुंज नॉर्थ के एडिशनल SHO संजीव मंडल महिपालपुर इलाके में पहुँचते हैं और यहाँ पर छठ पूजा समिति के लोगों को साथ ही स्थानीय लोगों को बताया कि किस तरीके से कोरोना का प्रकोप लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा है और जो गाइडलाइन दी गई है कि छठ पर्व जो है अपने घर पर करें, कोई भी घाट पर ना आए, जिसको लेकर एक बोर्ड भी दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है। साथ ही साथ यहां पर छठ पूजा समिति के लोगों को और यहां के स्थानीय लोगों को भी जागरूक कराया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के महिपालपुर की, जहां पर छठ घाट बना हुआ है और एडिशनल SHO वसंत कुंज नॉर्थ के संजीव मंडल यहां पर पहुंचे और अपने दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ यहां पर पहुंचकर छठ पूजा समिति के लोगों को बताया कि किस तरीके से इस महापर्व पर रोक लगाई गई है कि सार्वजनिक कार्यक्रम और सार्वजनिक पूजा नहीं हो सकती। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के महिपालपुर घाट की दिखा रहे हैं। हर कोने में यही एक मैसेज है कि इस बार आप अपने घर पे ही मनाएं छठ, आप बाहर किसी तरीके से आयोजन ना करें जिस तरीके से गैदरिंग करके करते हैं, ठीक है। तो अपनी सुरक्षा और उसके बाद दूसरों की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा है तभी आप दूसरों को सुरक्षित रखेंगे ना। ये तो बीमारी ऐसी है ना, मुझे होगा आपको होगा, भाई आप घर परिवार में जाओगे तब दोनों तीन तीन महीने घर नहीं गए थे जब शुरुआती दौर पे था ये व्यापक, लेकिन अब है क्या कि उसी तो सुरक्षा नहीं रही है तो मुझे डेंगू होती जा रही है। कोरोना कैपिटल बन गया दिल्ली है, मृत्यु रोज 100 हो रही है, 100 के करीब मृत्यु रोज है। अपील है आप लोग और ये अपील को मानना चाहिए क्योंकि आप लोग भी सुरक्षित रहें, यही हम लोगों का कर्तव्य है। और कोरोना पीड़ित है और जिसके घर में यदि कोई मृत्यु हो गई, देखिए गाइडलाइन तो बहुत अच्छा है। हम लोग काफी दिन से तैयारी कर रहे थे छठ पूजा का, छत घाट जो हम लोग छत भी छत हो गया था 15-20 दिन पहले से हम लोग उसको ठीक करवा रहे थे इस उम्मीद में कि सरकार का कोई गाइडलाइन आएगा और हम लोग जो हमारा आस्था है छठ पूजा में है वो हम लोग छठ पूजा बढ़िया से और अच्छी तरह से सुसज्जित रूप से कर सकेंगे। हम लोग एक ऐसा तैयार किया था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कि सरकार इस तरह से गाइडलाइन देगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ पूजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जैसे जिस तरह दशहरा में आया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा करना है, हम लोग उसी तरह से एक प्लान बनाए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही छठ पूजा, जैसे 100 लोग आते हैं तो हम लोग ने 50 लोगों का नाम लिखा था, रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उसमें भी बिल्कुल मना कर दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, छठ पूजा हम लोग अगले साल फिर मना लेंगे। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का गाइडलाइन आया है, सरकार जो जिस हिसाब से हम लोगों को समझा रही है, अभी सर आए थे थाने से, वो समझा करके गए हैं, तो पूरी तरह से उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन करेंगे, किसी तरह का यहाँ कोई एक्टिविटी गलत एक्टिविटी नहीं होगी। जितने छठी व्रती हमारी माताएं बहने आ रही हैं, सब लोगों से हम कह रहे हैं कि अपने घर पे छत पे टब लगा करके या पर्सनली व्यवस्था करके अपना छठ पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भास्कर पांडे नाम है मैडम, मैं यहाँ का आयोजन अध्यक्ष हूँ। समिति का नाम है हमारा आदर्श नवयुवक कला केंद्र एवं धार्मिक समिति। यहाँ पर बैनर लगाए हैं, समझाए गए दिल्ली पुलिस मैडम की तरफ से। हम लोग लगातार करीब एक हफ्ते से सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के जो भी पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। वो लोग विशेष सहयोग करते हैं, हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि ऊपर से आदेश होगा या आयोजन करने के लिए तो आप लोग आयोजन करिएगा, हम आपके साथ हैं। कल हमारी SDM जो बसंत विहार हैं, प्रांजल पाटिल जी और हमारे SHO राजकुमार जी, आज हमारे एडिशनल SHO साहब आए थे जो हम लोगों के बीच में यहाँ पे अभी हम लोगों को गाइडलाइन बता रहे थे, उनके गाइडलाइन को हम लोगों ने समझा और हम लोग फॉलो करेंगे। सरकार के दिशा निर्देशों का भी जो भी होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। इसमें कहीं किसी से किसी का भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि जान है तो जहान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है और हम लोग बचे रहेंगे तो कोई भी आयोजन होगा, कोई भी प्रायोजन होगा, कोई भी पर्व होगा, हर एक साल मनाएंगे। पूजा जो होता है, आस्था जो होती है, भगवान हमारे लिए है, हम भगवान के लिए नहीं है, तो हम भगवान को जैसे अपने आस्था में मानेंगे वैसे। तो आप लोग किस तरीके से लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि यहाँ पे आयोजन? मैडम यहाँ पे जो भी आ रहा है, यहाँ के जो हम लोगों के DDA ग्राउंड है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है DDA का, उसको आश्वस्त किया हुआ है, 2-4 सदस्य हमेशा यहाँ उपस्थित रहते हैं, उनको बताया जा रहा है कि इस बार हम लोग आयोजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी महामारी चल रही है कोरोना उसको देखते हुए,
और प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा कि कोई भी इस तरह के आयोजन भीड़ भड़ाका वाला ना हो। बाकी जो भी आदेश होगा सरकार का, जो भी जैसे भी होगा, उसका अनुपालन किया जाएगा, उसमें कहीं से कोई वो नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ संजीव कुमार मिश्रा। यहाँ पर समझाया गया था कि क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है। लगातार हम लोगों की बातचीत चल रही है। यहाँ आपके बसंतपुर थाना में एसएचओ के साथ कल भी मीटिंग थी। उनके द्वारा बताया गया कि जो भी सरकार का गाइडलाइंस आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को फॉलो करेंगे हम लोग। और अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव निर्णय नहीं आया जो कि यहाँ पे हम लोग पूजा का आयोजन करें या मनाएं। तो जो भी आए यहाँ पे अभी आए हैं पदाधिकारी, इनके मुताबिक हम लोगों को मिला है कि हाँ नहीं मनाना है, तो हम लोग भी उसी में राजी हैं। और यहाँ तकरीबन कोशिश करेंगे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको समझाएं। अभी 2 दिन का टाइम है और जहाँ तक संभव है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे उनको रोकने में, शांतिपूर्वक जैसे भी है वैसे ही से निपटेंगे।